अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलबर्गा की तमाम शहरियों को मैं ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ईद रहमतों और बरकतों वाला होगा और अल्लाह सुबहान व तआला रमज़ान के इस मुबारक महीने के तमाम मुसलमानों की इबादतों को कबूल फरमाए। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे सामने हिंदुस्तान में इलेक्शन भी होने जा रहा है, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना था, इसीलिए हमने बहुत सारी सियासी एक्टिविटीज से अपने आप को दूर रखा था। मैं इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद 3-4 दिन के बाद एक फ़ैसला लूँगा जो मिल्लत के तमाम मसाइल को, क्योंकि एमएलए इलेक्शन होके 1 साल हुआ है, एमएलए इलेक्शन के जो वायदे थे, जो बुनियाद पर मिल्लत ने वोट किया, आज हम तमाम लोगों के सामने क्या काम हुए हैं क्या काम नहीं हुए हैं इसके बारे में भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला बातें होती रहेंगी। मैं और एक बार उम्मीद करता हूं कि ये ईद न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की दुआएं, खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन को लेकर के जो दुआएँ की गई, उन दुआओं को अल्लाह सुबहान तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ईद ईद उल फितर एक शानदार तरीके से पूरी दुनिया भर में मनाई जाए।